नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं सरवन सिंह। यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद एक बार फिर से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चर्चा में है। होली पर सुहेल देव पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर फिर से बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने जी न्यूज से बात करते हुए इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया। राजभर ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ थे और उसी के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ जाने की खबरें झूठी हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी बीजेपी नेता से नहीं मिले। इसके अलावा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने खारिज कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की खबर निराधार है, पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी और रहेगी। सूत्रों के मुताबिक होली पर ओम प्रकाश राजभर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक घंटे से ज़्यादा समय तक मुलाकात चली। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के दो अन्य नेता बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। इसके बाद उनके बीजेपी गठबंधन में वापसी की खबरें आने लगी। जानकारों का कहना है कि पूर्वांचल क्षेत्र में लोकसभा की करीब 26 सीटें ऐसी हैं जहां राजभर समाज का प्रभाव है, वहीं 14 लोकसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां पर राजभर समाज का वोट नतीजों पर निर्णायक रहता है। ऐसे में यह भाजपा के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अहम है, इसलिए बीजेपी के शीर्ष नेता बीते कुछ दिनों के भीतर दो बार ओपी राजभर से मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी ने बीजेपी गठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि बीच में ही राजभर का बीजेपी से मन भर गया और उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया। इस साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। राजभर की पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।